खबर शामिल करते हैं कराची से। पीटीआई ने 9 मई को जो किया वो रियासत पाकिस्तान पर हमला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई बैन अलअक़वामी ज़राए इब्लाग के साथ अपने इंटरव्यूज़ में खिलेआम और जानबूझकर गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि 9 मई के बाद के वाक़यात को या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी एहतजाज के हक को सलब करने के तौर पर उनकी वजाहत न सिर्फ गुमराहकुन है, इसका मकसद मुल्क से बाहर राय साजों को जोड़ तोड़ और उन पर दबाव डालना है। उन्होंने कहा कि मैं सियाह को सबाक को दुरुस्त करता हूं। उनकी पार्टी ने 9 मई को जो किया वो रियासत पाकिस्तान पर एक ढिटाई से हमला था जिसमें मज़मूम इरादे और मज़मूम मकासिद थे। दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि मुजरमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हुकूक की खिलाफ वर्जी न हो।